गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 10 हिंदी पाठ 2 और लेखक हैं, कवि हैं तुलसीदास जी, और पाठ का नाम है वन पथ पर। हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग इसे ध्यान से बुक में देखिए और इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करिए। इस पाठ में राम लक्ष्मण और सीता के बारे में बताया गया है। पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर धय मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धर वय। फिर पूछत हैं चलनो अब के तकी, पड़ कुटी करिहो कित हैं, तियकी लखिया तुरता पियकी, अखिया अति चारु चली जल च्वय। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। पुर ते निकसी रघुवीर वधु, धर धीर धय मग में डग द्वय। सीता जी ज्यों ही अयोध्या से बाहर निकली और रास्ते में वो अपना पैर रख के चली, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धर वय। और उतना ही में उनके माथे पे पसीना की बूंदे झलकने लगी और उनके कोमल ओठ सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब के तिकी, पूर्ण कुटी कर हैं कित हैं। और फिर वो श्री रामचंद्र जी से पूछ रही हैं कि हे स्वामी, अभी हम लोगों को कितनी दूर जाना है और कितनी दूर जाने के बाद हम लोग पत्ते की कुटी बनाएंगे। तियकी लख आतुरता पियकी, अखिया अतिचार चली जल च्वय। तियकी लख आतुरता पियकी, देखिए उतने में श्री रामचंद्र जी सीता की तरफ अपनी नज़र उठाकर देखते हैं। अखिया अतिचार चली जल च्वय, और उनके आँखों से वो समझ जाते हैं कि सीता जी थक चुकी हैं, और श्री रामचंद्र जी की आँखों से आंसू निकलने लगता है। जल को गए लखन हैं लड़िका, परिखो पिय छाह छरीक हैं ठाढ़े, पोछी पसेव बयारी करो, और उपाय पखारी भुभूर ही ढाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के, बैठी विलंबक लव कंटक काढ़े, जान की नाह को नेह लख्यो, पुलको तनि बारी बिलोचन बाढ़े। देखिए, जल को गए लखन हैं लड़िका, परिखो पिय छाह छरीक हैं ठाढ़े। और फिर कुछ दूर जाने के बाद लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं, और सीता जी श्री रामचंद्र जी से कह रही हैं कि जब तक लक्ष्मण जी पानी लेने गए हैं, पोछ पसेव बयारी करो, और उपाय पखारी भुभूर ही ठाड़े। हे स्वामी, आप थोड़ी सी छाया में किसी वृक्ष के नीचे चलिए, मैं वहाँ आपके पसीने को पोछ करके और अपने आँचल से आपको थोड़ी सी हवा दे दूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, बैठ विलंब लोकंटक ठाढ़े काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रिया श्रम जानी के, ये बातें श्री रामचंद्र जी जान करके किसी वृक्ष के नीचे जा करके कुछ टाइम तक सीता जी के आराम के लिए जा करके बैठ जाते हैं। जान की नाह को नेह लख्यो, पुलको तनि बारी विलोचन बाढ़े।
और सीता जी के बातों को वो समझ करके बहुत ही कष्ट में डूब जाते हैं। रानी मैं जानी अजानी महापवि, पाहन हूँ तो कठोर हीयो है, राज हूँ काज न जान्यो, कहो तिह को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राख भी जोग, इन्हें किमि को बनवास दियो है। रानी मैं जानी अजानी महापवि, पाहन हूँ ते कठोर यो है। और कुछ दूर जाने के बाद कुछ गांव की औरतें कह रही हैं, जब राम और सीता लक्ष्मण जी को देख रही हैं तो वो कह रही हैं कि कैकेयी महा ही अज्ञानी है, और जो कि राजा दशरथ उसकी बातों पे आकर के वो भी अज्ञानी बन गए। राज काज अकाज न जान्यो, कहो तिय की जिन कान कियो है, वो अपनी राज काज के बारे में नहीं सोचे कि उन लोगों के जाने के बाद राज में कितना दुख होगा। कहो तिय की जिन कान कियो है, जो कि ऐसा वो कैकेयी के कहने पर वो राम लक्ष्मण सीता को वनवास दे दिए हैं। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछिरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। वो सखी सब गांव की औरतें अपने में बातें कर रही हैं कि ये तीनों लोग कितने सुंदर हैं और कितने कोमल हैं, ऐसी मूरत को वो लोग वनवास दे करके कैसे जी रहे हैं। आखिन में सखी राखब जोगी, इन्हें किम के वनवास दियो है। ये कह रही हैं कि हे सखी, ये तीनों लोग आँखों में बसाने योग्य हैं, उनको कौन वनवास दिया है। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भावे, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग में सुठी सो है, सादर बार ही बार सुभाय, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सी सो, कहे सांवर से सखिरावर को हैं। देखिए, शीश जटा उर बाहु विशाल, और वे गांव की औरतें सीता जी से कुछ प्रश्न कर रही हैं कि शीश जटा, हे सखी जिसके सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, और जिसकी लंबी लंबी बाहु भुजा है, बिलोचनी लाल 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 आँखें हैं, तिरछी सी भौहें, जिनकी तिरछी भौहें हैं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मारग में सूठी सोहे, जो वे अपने तरकस में बान रखे हुए हैं और मार्ग में बहुत ही शोभमान हो रहे हैं, सादर बार सुभाय, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, और सादर बार ही बार सुभाय, ओ बारंबार वे आपकी तरह देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी नज़र से आपको हमेशा देख रहे हैं, तुम त्यों हमरो मन मोहे, उनको देख करके हम लोगों का मन भी मोहित हो जा रहा है। पूछत ग्राम बधू सिंह को, कहो सांवर से सखीरावर को हैं। वे कह रही हैं, गांव की औरतें उनसे पूछ रही हैं कि हे सखी,
वो जो सांवरे रंग के हैं वो आपके कौन लगते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधा रसिसाने सयान हैं जान की जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समझाई कुछ मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसरी सोहे सबे अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुरांग तड़ांग में भानु उदय बिगसी मनु मंजल कंज कली। सुनी सुंदर बन सुधार सिसाने उस गांव की औरतों की मधुर वचन को सुन करके सीता जी सयान ही जान की जानी भली। सीता जी उस बातों को उनकी बातों को तुरंत समझ जाती हैं। तिरछी करी नैन ते सैन्य तिही समझाई कुछ मुस्काए चली, वो अपनी आँखें तिरछी करके वे गांव की औरतों को इशारा से बता देती हैं और बताने के बाद सीता जी मुस्कुराने लगती हैं। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे अवलोकित लोचन लाहु अली, तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और वे अपनी आँखों से इशारा करके सीता जी अपनी सारी बातें ग्राम की औरतों को अपनी आँखों से ही बता देती हैं। अनुरांग तड़ांग में भान उदय बिकसी मानो मंजुल कंज कली। जिस प्रकार से देखने से मालूम पड़ रहा है कि अचानक से तालाब के कीचड़ में कमल का फूल खिल गया हो। थैंक यू।